एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, ये जब हमने किंगडम को पांच भागों में डिवाइड किया था तो पहला था मोनेरा और यह दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा। इसकी खोज सबसे पहले किए थे अर्नस्ट हैकल इन 1866 में। हैकल ने 1866 में किंगडम प्रोटिस्टा की खोज की थी। ये होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। मोनेरा भी यूनिसेलुलर होता है पर वो प्रोकैरियोट होता है। ये होते हैं यूकैरियोट। मोनेरा सबसे प्रिमिटिव है इसलिए मोनेरा होता है प्रोकैरियोट। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंसेस है कि यूकैरियोट में माइटोकांड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, प्लास्टिड इत्यादि पाए जाते हैं, बट प्रोकैरियोट में ये सारे एब्सेंट रहते हैं। ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर प्रोटिस्टन पानी में ही रहते हैं। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा एंड थ्री किंगडम फंजाई प्लांट एंड एनिमेलिया। इसके जो एक फाइलोजेनी ट्री बनती है जिसमें ये मोनेरा सबसे नीचे आता है, उसके बाद प्रोटिस्टा और तब ऊपर में तीन किंगडम होते हैं फंजाई प्लांटी एंड एनिमेलिया। इस तीनों किंगडम के बीच में है प्रोटिस्टा और सबसे नीचे है मोनेरा। मोनेरा से डायरेक्ट हम फंजाई प्लांटी और एनिमेलिया में नहीं जा सकते हैं। मोनेरा से डेवलपमेंट होकर प्रोटिस्टा में आता है कोई भी ऑर्गेनिज, उसके बाद ही डेवलपमेंट होते होते फंजाई प्लांट और एनिमेलिया में जाता है। एकाएक मोनेरा से फंजाई में हम नहीं जा सकते हैं, इसलिए प्रोटिस्टा है जो दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज मिक्सोट्रॉफिक। इसमें जो न्यूट्रिशन जो ये लोग खाना खाते हैं उनका न्यूट्रिशन जो पोषण जो इन्हें मिलता है वो इसका मोड है मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक मीन्स ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और हेटरोट्रॉफिक जो डिपेंडेंट होते हैं। युग्लिना जो है मिक्सोट्रॉफिक है, इसमें ये अपना ऑटोट्रॉफिक भी है ये और हेलोट्रॉफिक भी है। इस माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोटिस्टा जो है। मेनी ऑकर इन वाटर बॉडीज एज प्लैंकटन, बहुत सारे क्या है वाटर बॉडीज है। जनरली ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। ये प्लैंकटन, जैसे प्लैंकटन क्या होता है, प्लैंकटन हो जाए जो वाटर बॉडी है उसके ऊपर ये फ्लोटिंग करते रहता है बट ये एक्टिव नहीं होता है। जैसे कोई मृत जो डेड बॉडी है जो पानी के ऊपर फ्लोटिंग करता है उसी टाइप का प्लैंकटन होता है, वो इनएक्टिव टाइप के फ्लोटिंग करता है। और नियोटॉन्स होते हैं जो एक्टिवली फ्लोटिंग करते हैं, उन्हें हम नियोटॉन्स बोलते हैं। सराउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड घिरा होता है। किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। एडिशनल कवरिंग ऑफ पेलिकल सेल और सेलुलोज वाल में भी प्रेजेंट। इसमें एडिशनल कवरिंग किसकी होती है? पेलिकल के भी कभी कभी होती है, सेल भी होती है। जैसे मोलस्का सेल का होता है बना, मोलस्का के ऊपर सेल होती है। जैसे स्नेल एक सेल के अंदर होता है, वो CELL नहीं SHELL जिसे हम खोल कहते हैं, बट इस ये थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें भी सेल किसी किसी में होता है, कोई कोई सेलुलोज वाल किसी किसी में प्रेजेंट होता है। ये है युग्लिना। युग्लिना इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। क्या है? सिलिया एंड फ्लैजिला में भी प्रेजेंट। सिलिया फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं, किसी में होते हैं किसी में नहीं। किसी में सिलिया होता है, किसी में फ्लैजिला है, किसी में नहीं भी होता है। जैसे युग्लिना है, इसमें फ्लैजिला है, इसी से लोकोमोशन करते हैं। सम आर पैरासाइट ऑन एनिमल, कुछ पैरासाइट होते हैं जो एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं। इसमें होता है 9+2 माइक्रोट्यूबल फाइबर। इसमें जो होता है सिलिया है फ्लैजिला प्रेजेंट, वो कितना एडवांस फीचर होता है 9+2 माइक्रोट्यूबल्स। इसमें दो इनर में अंदर में होता है और 7 जो होता है उसके पेरीफेरी पर ट्यूबल्स होते हैं। सम प्रीडेटरी, और कुछ प्रीडेटरी भी होते हैं, ये परभक्षी भी होते हैं जो दूसरे प्रोटिस्टों पर डिपेंड करते हैं, जिन्हें प्रोटोजोआ भी हम कहते हैं। अब इस क्या इसे हम बांटते से मोड ऑफ लोकोमोशन के पर हम इसे मोड ऑफ लोकोमोशन के आधार पर हम किस में बांटते हैं? इसे हम पांच भागों में बांटते हैं। पहला है स्यूडोपोडियल, ये स्यूडोपोडियल जिसमें पाया जाता है उसके बेस पर हम इसे लोकोमोशन, जो स्यूडोपोडिया यूज करता है वो भी
प्रोटिस्टा में ही भी आता है। कोई कोई प्रोटिस्टन फ्लैजिलर यूज करते हैं, कोई कोई सिलीरिया सिलियरी और कोई कोई रिंगलिंग और कोई कोई मुसिलोज परपल्सम। स्यूडोपोडियल अमीबा में पाया जाता है, अमीबा का ये स्यूडोपोडिया होता है, इसी से अमीबा लोकोमोशन करता है, कभी ऐसे करता है, इसे स्यूडोपोडिया कहते हैं, जिससे अमीबा इसी से लोकोमोशन करता है। फ्लैजिला युगलीना में पाया जाता है, जैसे ये है फ्लैजिला युगलीना में, इससे लोकोमोशन करता है। सिलियरी पैरामीशियम में पाया जाता है सीलिया, और रिगलिंग वो होता है जो कभी फैलता है कभी सिकुड़ता है, जैसे किसी को जैसे युगलीना भी है, युगलीना में फ्लैजिला भी होते हैं और ये रिगलिंग भी लोकोमोशन करता है। अगर कभी फ्लैजिला यूज करने का मन नहीं हुआ तो अरे रिगलिंग करता है, जैसे कभी फैल गया और कभी सिकुड़ गया। जैसे किसी भी अगर हम सब्जी में कोई कीड़ा हो, इंसेक्ट होता है जो जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं, वो कभी फैलता है कभी सिकुड़ते, से मटर के दाने में एक कीड़ा जो होता है ग्रीन कलर का, वो फैला सिकुड़ा उस टाइप का लोकोमोशन भी करता है, जो प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं कुछ ऐसे इंसेक्ट भी हैं। किसी किसी में म्यूसिलेज परपल्सन होता है, म्यूसिलेज परपल्सन होता है डाइटम्स में, उसके सेलवाल उसे धक्का देते हैं तो वो लोकोमोट करता है। अब न्यूट्रिशन के बेस पर इसे हम दो भागों में बांटते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक है और एक हेटरोट्रॉफिक है। ये तो है मैक्सोट्रॉफिक, इसका न्यूट्रिशन का बेस है मैक्सोट्रॉफिक, जिसमें दोनों आते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हेटरोट्रॉफिक भी। ऑटोट्रॉफिक राइसोफाइट्स में पाए जाते हैं, दूसरा डाइनोफ्लेजिलेट्स में होते हैं और तीसरा युगलिनोड्स में होते हैं। और हेटरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन का मोड है वो भी तीन टाइप का होता है, एक होता है होलोजॉइक, एक होता है पैरासिटिक, एक होता है सेप्रोस। होलोजॉइक वो होते हैं जिसमें जो एक सॉलिड चीज का यूज करते हैं भोजन के लिए, जैसे मैन भी होता है जो सॉलिड यूज करता है, मैन भी एक होलोजॉइक ही है। होलोजॉइक की क्या आइडेंटिफिकेशन, होलोजॉइक में इंजेशन डाइजेशन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, सिमिलेशन होता है और उसके बाद इजेशन हो जाता है, उस टाइप से इसमें युगलीना में भी होता है, इसलिए इसे होलोजॉइक कहते हैं। और ये पैरासिटिक भी होते हैं, दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, और कुछ प्रोटोजोआ है वो होलोजॉइक भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। और तीसरा इसका सेप्रोफस जो डिकम्पोजर भी, सेप्रोफस डिकम्पोजर होता है, जो सारे गले जितने भी हैं पदार्थ उसको खाता है, उसका वो न्यूट्रिशन का बेस होता है, जिसमें स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफस में आते हैं। किसका स्लाइम मोल्ड का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या, सेप्रोफस। सो थैंक यू।